हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज की कटोरी ब्लाउज की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही मेजरमेंट मैंने लिया हुआ है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है और नीचे की साइड से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। और इसके बाद हमें बैक साइड की लंबाई लेनी है 13.5 इंच। तैयार ब्लाउज हमारा 12.5 इंच का रहेगा और शोल्डर हम 32 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 इंच ले रहे हैं। और इसके बाद हम आर्म होल यहाँ 5.5 इंच लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है और इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई देनी है हमें। और इसके बाद हमें चेस्ट का 1/4 लेना है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और कमर के लिए इस तरह से 6.5 इंच पर एक मार्क करना है प्लस 1 इंच टक्स के लिए प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और इस तरह से दोनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसके बाद नेक विड्थ लेनी है। तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और नीचे साइड से हमें लंबाई लेनी है 8 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है हमें और इसके बाद राउंड शेप कर देना है। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें साइड साइड में कपड़े को कट करके निकाल लेना है। इसके बाद हमें नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट की गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसको रखते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है और नीचे की साइड से 1 इंच बढ़ाना है। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की साइड बढ़ाना है इसीलिए, और इस साइड हमें हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से बैक साइड को रखते हुए इसके चारों साइड हमें एज इट इज लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है डॉट डॉट देते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों साइड मार्किंग दे दी है। और इसके बाद हमें नेक विड्थ लेना है फ्रंट साइड की। तो हम यहाँ से लेंगे 2 इंच और नेक लेंथ हम लेंगे यहाँ से 5.5 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप कर देंगे। तो ये देखिए, हमने राउंड शेप कर दिया है। और इसके बाद हमें आर्म होल की साइड 1/2 इंच का शेप देना है फ्रंट साइड के लिए। तो ये देखिए, हमने फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से हम बेल्ट के लिए लेंगे 3 इंच और इस साइड हम लेंगे 2.5 इंच। और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके बाद हमें यहाँ से लेना है कटोरी के लिए मार्क करना हमें 5 इंच पर, और गले के लिए 1 इंच लेना है गले की साइड से, और हमें आर्म होल की साइड से 2.5 इंच लेना है। और इन तीनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देना है, कटोरी का शेप देना है हमें। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कटोरी का शेप दे देना है। और इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से साइड साइड में पहले कटिंग कर लेना है। और इसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है और फिर हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद कटोरी की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कटोरी है हमारा, ये जो वेस्टेज है, इसे हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है कटोरी को। और इसके बाद हमें इसके चारों साइड मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमें चारों साइड मार्क कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से रखते हुए। और इसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों साइड हमें 1/1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जो हम बीच में टक्स देते हैं उसके लिए। और नीचे की साइड हम 1.5 इंच लेंगे। और ये देखिए, यहाँ से हमें सेंटर लेना है 1.5 इंच। और इस तरह से तीनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जॉइंट कर दिया है। और इसके बाद हमें इस साइड दोनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए, और ये अब हमें
गले की पास जैसा है वैसे ही लेना है, बस यहाँ से सिला मार्जिन इतना ज़्यादा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें डॉट डॉट करते हुए कटोरी का शेप देना है। तो ये देखिए हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है ये, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और 1-1 इंच हमने जो बढ़ाया था उसका टक्स देना है। टोटल टक्स हमारा यहाँ 2 इंच का हो जाएगा। तो ये देखिए कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसको हमें 4 फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने 4 फोल्ड कर दिया है और इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए और इसको नाप लेंगे राउंड करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से हमें राउंड करते हुए नाप लेना है। यहाँ देखिए 9 इंच आ रहा है, तो इस तरह से हमें 9 इंच लेना है। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है फ्रेंड्स। तो हम इसकी लंबाई लेंगे, स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम 9 इंच ले रहे हैं। और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है हमें। और इसके बाद जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ऊपर करेंगे और इस साइड हमें 2.5 इंच की गोलाई देनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें स्केल से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों निशानों को आपस में ज्वाइंट करते हुए। और इस तरह से स्लीव्स का शेप देना है हमें। और इसके बाद हमें मोहरी के लिए माप लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे और +2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें कटिंग इस तरह से करनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें 1/2 इंच का शेप देना है फ्रंट साइड के लिए। तो ये देखिए हमने फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच का शेप दे दिया और इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारी रेडी हो चुकी है स्लीव्स। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।